बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी। बाबा आप इतनी मस्ती करते हो, मेरे ही समझ में नहीं आता आप शादी क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, हमारे जितने बच्चे तो हमको पिता मानते हो, मानते ही नहीं, कहते नहीं बाबा तुम शादी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। दलांगे अट्टे मुनाडी सोले ले उंगल के तेल में यरम सुंदर गया माती की समा प्राप्ति समा प्राप्ति समा प्राप्ति। बाबा कहेंगे हमारे सुपरस्टार कहां मिलने। बाबा मैं आपको एक बात कहूं, सबको पूछ लो, जितने मर्जी लोग हैं लेकिन सबसे हैंडसम आप हैं शो में। अरे हम अकेले थोड़ी हैंडसम हैं, बिग बॉस में और भी बहुत हैंडसम लोग आने वाले हैं, हमको हमारे मिलेनियम सुपरस्टार ने बता दिया है बहुत लोग आने वाले। अरे लड़के सारे सुपरस्टार हैं, बहुत सुंदर हैं। वो बानी लड़का देखा आपने? ये इसके अंदर कुछ है शमामम प्राप्ति जनांग तक घुसेड़ूम। अरे कमाल लड़की, ए कमाल। अरे वाह बाबा आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। हाँ तो क्यों नहीं लगे, कि कृष्णा बाबा बनाए तो स्मार्ट ही लगेगा। और चीज आज मोनालिसा भी बड़ी सुंदर लग रही है। सुदेश बना हुआ है ना। पर पता नहीं क्यों हमारी दोनों की जोड़ तो बड़ी गंदी लग रही है, क्या हो गया? क्योंकि अदिति बानी बनी हुई तो खराब ही लगेगी और क्या लगेगी। ये देख रहे हैं आप मीरा रोड की प्रीडेटर। Have you seen Predator? मीरा रोड की प्रीडेटर। Enjoy, enjoy, you love bloopers. जोरदार तालियां तनिषा मुखर्जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बाबा एक बात कहूँ, शक्ल कैसी भी हो लेकिन मुझे लगता है कि जीतूंगी मैं। थर्ड बाबा जीतेंगे, बाबा जीतेंगे, कोई नहीं जीतने वाला। शक्ल देखी है? अरे शक्ल को क्या हो गया बाबा, इतने सुंदर हो आप। किसी भी शक्ल के हिसाब से कभी बिग बॉस नहीं जीत सकता कोई भी। कैसे? अगर ऐसा होता तो बिंदु दारा सिंह जीतता शक्ल के हिसाब से। आप तो ऐसा कुछ नहीं होता बाबा। अबे जीतते सिर्फ मैं वाली हूँ, क्योंकि बिग बॉस से ना मेरी डायरेक्ट बात होती है। हट। बाबा जीतेंगे ये सीजन, बाबा जीतने वाले, क्योंकि बाबा सबको टेलीविजन के ऊपर पानी पे चल के दिखाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए। बाबा जी, बाबा जी, बोल तेरी। ये सब बहुत पुराना हो गया। चलो पुराना हो गया, हाँ बहुत हो गया। बाबा नया करेंगे, बाबा ऑडियंस के सर के ऊपर चलेंगे। बाबा चलेंगे ऑडियंस के सर के ऊपर। नहीं ये क्या कर रहे हैं बाबा? आइए इधर आओ। ये देखो बाबा ये क्या कर रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा था ऑडियंस के सर पे। अरे तो ऑडियंस इसी को सर बोलती है। ऑडियंस के सर के ऊपर चलेंगे बाबा। ये देखिए बाबा, देखिए बाबा का आशीर्वाद बेटा। अरे बाबा का आशीर्वाद बेटा, बाबा का आशीर्वाद तेरे को। सुन मनन, तेरा बड़ा भाई आया है देख ले। बाबा का आशीर्वाद तेरे को लगेगा, जा बेटा तेरे को। बाबा का आशीर्वाद है बेटा, तेरे को ट्विंस होंगे, जा जा जा। दिलांगट्टे मुन्नाडी सले लंगल के तेरे में रणम सुंदर गया मातिर के क्षमा प्रार्थी। मैं अभी भी, अगर मेरी शक्ति का यकीन नहीं आप लोगों को, मैं मुंडी काट के दिखा सकता हूँ। अरे बाबा आपको दर्द नहीं हुआ क्या? मेरे को नहीं, तेरी मुंडी काटूंगा मैं। क्या? तेरी मुंडी। बाबा नहीं। अरे 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 अरे। बाबा। इसका घोड़े का बाल बनाएंगे हम लोग। ये बोलने के लिए बानी अंदर से ब्रिजेश है ये लड़का। मैं बता रहा हूँ ये पब्लिक को येड़ा बना रहे हैं ये लोग। बाबा बुरा ना माना करो, आराम से शांत रहो आप। बाबा बैठो, आप बैठो, बोलो। टीआरपी ठीक है आती है लेकिन लड़के नहीं करना, प्यार से करो बाबा। चलो चुगलियां करते हैं, बोलो। बाबा मेरे को ना डर लग रहा है, इतना पैसा क्या करूंगी, जीतूंगी तो मैं ही। बार बार ये कैरेट लगा रखे, तुम जीतोगे तुम जीतोगे, ऐसे कैसे जीतोगे? सलमान भाई से हमारी बात हो चुकी है कि हम जीतने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ द मिलेनियम सलमान खान के लिए जोर। कैसे क्या हुआ? सलमान से हमारी खुद बात हुई है, वो पिक्चर आई थी बजरंगी भाईजान और ये सुल्तान। हाँ। हमारे पास खुद आए थे वो, हमने कहा कि जा मेरा बेटा तेरे को आशीर्वाद है, 600 करोड़ रुपया पिक्चर कमाएगी। 600 करोड़ दोनों पिक्चर ने कमाया। अरे वाह। अच्छा बाबा ये मैंने सुना है कृष्णा भी आया था क्या कूल 3 के लिए, उसका क्या हुआ? बेटा आशीर्वाद से घंटा कुछ नहीं होता, पिक्चर में भी कुछ होना चाहिए।
बाबा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो फेल हो गया, पता है आपको? कहाँ बाबा? हम सुदेश लहरी को कॉमेडी नहीं सिखा पाए। बाबा एक बात कहूँ, उस कमीने के साथ होना भी ऐसे चाहिए। अच्छा? बड़ा गंदा है, बड़ा घटी। मैंने उसको बोला, मैं कह सुदेश तू फिल्मों के लिए बना है, क्या कमीने कृष्णा के साथ तू एक्टिंग कर रहा है? मैंने कहा उसको। लेकिन बाबा सुदेश ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते जब कश्मीरा उस कुत्ते के साथ जिंदगी काट सकती है तो मैं 10 मिनट नहीं काट सकता, ऐसे बोला वो। बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा क्या हुआ आपको? बाबा भविष्यवाणी करने वाले हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन, 20 सेकंड बाद मोनालिसा का सर फटा होगा, वो यहीं गिरी होगी। बाबा नींद आई, चलो सो जाएं। चलो बाबा सोएंगे। बाबा की आदत है, बाबा मुर्गासन में सोते हैं। बाबा सो जाओ। दिन 15वां, सुबह के 8 बज चुके हैं। बिग बॉस चाहते हैं आप लोग उठ के अरे बोल कुतरिया बोल, खत्म कर। आप लोग उठ के अरे बोल बिग बॉस तेरी। अरे बाबा ऐसे ही सोएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सब उठ जाएं। अरे तुम क्या खाने में बना लेती हो? पागल पागल ही बनाती हूँ ना, खुद को एक्टर एक्टर बोलती हूँ। बाबा उठ जाइए आप। बोल है, बोल बोलो बोलो। क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, ये सब पैकअप के बाद बोलना। बाबा ध्यान से करो, बच गई है वो। बानी मेरे लिए कुछ बनाओगी? हमको भूख लगी है। हाँ बाबा आप क्या खाना चाहेंगे? बाबा किसी के भरोसे नहीं रहते, बाबा अपना खुद का करके खाते हैं। कहाँ है बाथरूम? अरे बाबा क्या बात कर रही हो? एक मिनट, जाने से पहले एक बात बताइए, नींबू पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, मैं बनाती हूँ। नींबू पानी पी लो, पेट साफ हो जाता। ना करना पड़ते हैं, पानी भी इसी में है, नींबू भी इसी में है। वाह 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 वाह, अति सुंदर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसमें हमें काली मिर्ची चाहिए थी थोड़ी। काली मिर्ची? हाँ ये लो। बहुत बढ़िया, तुमने कभी अदरक वाली चाय पी है? बाबा खुद का करके खाते हैं। चल बिग बॉस। हाय चलो आजा। क्षमा प्रार्थना, हाय क्षमा प्रार्थना, अंदर कोई ना देखे, बिग बॉस का घर। अरे ये इतना पानी क्यों है? तो कमबोर्ड में पानी नहीं का मंचाओ सूप होगा तेरी। बाबा मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं इधर बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अरे सुनो ना, क्या बना रहे हो? जलेबियाँ। बाबा इधर खाना बना रहे, चुप करो ना। हाँ क्या कर रहे हो? अरे ये इतना पतला क्यों है? अरे क्या करें, बाबा का पेट खराब है। बाबा चुप करो, हम अपनी बात कर रहे हैं, बीच में बाबा बोली जा रहे हैं आप। अरे कितना निकाले जा रहे हो? अरे कहा ना पेट खराब है जितना। बाबा चुप करो, चुप करो, बोली जा रहे, बोली जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। अरे अब ये क्या निकाल रहे हो? राजमा। बाबा चुप करो, निकलो बाहर, निकलो बाहर। अरे हम कह रहे हैं बंद करो, नहीं चाहिए। अरे हम कह रहे हैं हम राजमा खाएंगे लंच में। नहीं करना, क्षमा प्रार्थी यार, तुम क्षमा प्रार्थी। नहीं हम रहने नहीं, हम जा रहे हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं यार तुम? नहीं मैंने रहने नहीं है, बिग बॉस का घर है यहाँ, शांति से। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ हूँ। बिग बॉस चाहते हैं मुझे निकालो, ये सीजन यहीं खत्म किया जाए और मोना और भारती को बुलाया जाए। खत्म करो यहाँ पे, खत्म करो, हो गया, खत्म करो। पापा पापा पापा, देर कहाँ है आपके पापा? आशीर्वाद है, तू अगले जन्म में लड़का बनेगा, मेरा आशीर्वाद है। अनु जी कृष्णा, मुझे आज बोलना पड़ेगा दिल से,
मैं पहले भी आया था. सुदेश यू आर फैंटास्टिक. अदिति आपका टॉम बॉयज कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन कृष्णा इट्स ऑल अबाउट यू. देख तो बिग बॉस को आपने पूरे सीजन को 15 मिनट में खत्म कर दिया और आपकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी व्हेन यू वेंट टू द बाथरूम. मतलब इंतहा. टुडे आई एम गेटिंग इमोशनल. ये क्या परफॉर्मेंस किया तुमने. इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम. सुपर्ब. क्या बात है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो जब मैंने शुरू किया था उसको बहुत लोगों ने कॉपी किया इस बात को. स्टैंडिंग ओवेशन. सुपर्ब. और मैं अपने अंदाज में कहूंगा बाबा तू है बिंदास. बाबा तू है बिंदास. बाबा तू है धांसू. बाबा तू है मस्त. कॉम्बिनेंट्स बहुत थे बहुत हैं और बहुत आएंगे मगर मेरी नजर में कृष्णा बाबा इज द फर्स्ट. क्या बात है. तनिषा मैं क्या बोलूं. इन्होंने सब कुछ बोल दिया. इतना बोला है. पर आई थॉरली एंजॉयड द परफॉर्मेंस. जो आपने मोनालिसा का किया है फिनोमिनल. और जो आपने बाबा को गिव बैक दिया है स्लैश कृष्णा. आई थॉट दैट वाज हिलेरियस. थैंक यू. जस्ट इट वाज फैबुलस.